गणेश जी की मूढ़ी जो है पुराना फरा है। लोग पूछ देते हैं, हम बता नहीं पाते हैं कि जब हाथी की कट करके लग गई तो गर्दन किसी कटती है तो लगती है। अजीब अजीब से जो है लोग कहते हैं ना कि अरे भाई वो वही लाइन काम है, नहीं से पूछी जाए बताइए। बात तो है और नहीं तो हम इसका ध्यान में नहीं देते। हाँ ये जैसे पहले समझे कि गणेश क्या है जी, जब वह समझेगा तब समझना है जी। जैसे ब्रह्मा विष्णु भैया समझे ना जी जी, वैसे गणेश समझना पड़ेगा गणेश क्या होता है जी। हाँ, गण का मतलब होता है समूह ग्रुप जी, गण का मतलब समूह समूह होता है जी। तो वह जो समूह की जो शक्ति है जी, जिस जिसके कारण जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको जैसे भी बताया कि एक फूल गेंदा का फूल है जी, ठीक है, गेंदा के तमाम जो पेड़ हैं जी वे मिलके एक समूह बनाते हैं जी, उसको हम लोग कहते हैं ना कि ये सारे गेंदा है, गेंदा के फूल है सारे जी, चाहे गेहूं के पौधा है जी, सारे गेहूं है जी। तो एक तो एक पौधा हुआ जी, और सारे गेहूं के पौधे हुए, तो सारे गेहूं के पौधे हुए तो एक समूह हुआ, समूह हुआ यानी गेहूं का वो गण हुआ, गण। हाँ समझ रहे हैं जी जी। तो वो एक सामूहिक शक्ति जी, बात समझ रहे हैं जी जी। सामूहिक जैसे एक एक शक्ति, एक आप आदमी, एक अन्य आदमी, जैसे पूरे भारत का, पूरे विश्व के सारे आदमियों को एक समूह कहा जाएगा ना, कहा जाएगा मनुष्य, मनुष्य प्रजाति, मनुष्य समूह जी। हाँ जी, तो गणेश वह सामूहिक शक्ति है जी, जैसे ये सब एक एक उत्पन्न करने की शक्ति हो गया जी, समझ रहे हैं जी। ब्रह्मा पालन वाले विष्णु जी, और वो विनाश वाले जो है वो कहा गया कि महेश की शक्ति है जी। हाँ जी, तो वह एक एक जो उत्पन्न हुआ था, लेकिन गणेश क्या है, गणेश सामूहिक शक्ति है, गणेश सामूहिक शक्ति, सामूहिक शक्ति है। समूह में जिस तरह से जो बर्ताव होता है, जैसे सारे मिलकर एक साथ कोई बर्ताव करते हैं ना, व्यवहार करते हैं, सारे मिलकर के एक पहचान होती है जी, तो उसको गणेश कहा जाता है। अब बात समझ में आ रही है जी जी। तो गणेश हुआ ये एक सामूहिक शक्ति हो गया। अब आ जाते हैं गणेश की मुंडी के ऊपर कि गणेश जी की मुंडी जो थी जी, हाँ जी, तो गणेश तो सामूहिक शक्ति हुई जी। हाँ जी, तो उस सामूहिक शक्ति जी कि मुंडी का चेहरा क्या होता है, चेहरा एक पहचान होता है जी। हाँ जी, तो सामूहिक शक्ति के लिए हम लोग एक पहचान रखते हैं जी। कैसे हम लोग जानेंगे कि यह जो है यह गेहूं है जी, तो उसकी एक पहचान होती है ना, होना चाहिए भौतिक स्वरूप, उसकी एक पहचान होती है ना जी, उसे कुछ गुण हम लोग निर्धारित करेंगे ना कि ये पौधा इतना से इतना लंबा हो, इसकी पत्तियां ऐसी हो जी, ये इस खेत में होता हो जी, ऐसे जन्मता हो जी, इसका बीज इतना बड़ा होता हो जी, बीज का रंग ऐसा होता हो जी, हाँ बीज खाने में ऐसा लगता हो, पत्ती खाने में ऐसी लगती हो जी, हुआ ना जी। तो इस तरह से उसके सारे जो प्रॉपर्टी है, सारे जो गुण है जी, उन सारे गुणों को एक हम लोग क्रमबद्ध करते हैं जी, और उसको ध्यान रखते हैं, तब हम लोग कहते हैं कि अब ये जो हो गया ये गेहूं के गुण हो गए जी, समझ गए जी जी। तो गेहूं के गुण हो गए तो वो जो सारे जो वो होते हैं वो पहचान जी, उस पहचान के कारण वो है जी, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि समझाने का अपना कारण है कि मान लीजिए कि वह है गेहूं का पौधा लगा हुआ है जी, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने उसका कुछ गणना नहीं किया जी, चखाव का नहीं है कोई, मतलब उस पर शोध नहीं हुआ है जी, जी। तो हम लोग पहचान नहीं पा रहे कि है क्या जी, लेकिन ऐसे ऐसे तो है बहुत सारे जी। हाँ बहुत कुछ है लेकिन हाँ, शोध नहीं हुआ, लेकिन पहचान नहीं पा रहे हैं ये क्या है, उसका नाम नहीं रखा गया। हाँ नाम नहीं रखा गया, उसके सामूहिकता हम लोग नहीं समझ पा रहे, सामूहिक शक्ति नहीं समझ पा रहे जी, इसकी सामूहिक शक्ति क्या है, सामूहिक प्रभाव क्या है इसका जी, उसको नहीं समझ पा रहे जी। तो उस सामूहिक प्रभाव को नहीं समझ पाने के कारण क्या हो रहा है कि आप लोग तो नहीं जानते कि वास्तव में शक्ति है क्या जी, इसके गुण है क्या जी। तो अब जब हम उसके सामूहिक शक्ति को पहचानने के लिए जाते हैं जी, तब तो हम उसमें शोध करेंगे जी। हाँ,
उसको चखेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, काटेंगे, बहुत कुछ करेंगे जी, हाँ जी, उसको तोड़ेंगे, फोड़ेंगे जी, हाँ जी, तभी तो आपको क्वेश्चन मिलेगा जी, कौन जी। तो वह जो उनको तोड़ना है, फोड़ना है, काटना है, पीटना है, हाँ, ये सब उसके सामूहिक शक्ति के साथ जो है हमारा किसी से उसको जला के देखेंगे जलता है कि नहीं जलता है जी, हाँ जी। तो उसे पानी डाल देंगे सड़ता है कि नहीं सड़ता है, पानी डाल के पानी टिकता है कि नहीं टिकता है जी। यानी उसमें तमाम तरह की जो हम शोध करें जी, वही जो है गणेश का शिवच्छेद करना है। गणेश का मतलब उसको उसका सिर काटना वही है। जब हम सामूहिक शक्ति जो है जी, उस सामूहिक शक्ति का जब हम शोध करने के लिए, जानने के लिए, कुछ उसको अदल बदल करने के लिए जब हम करते हैं, तो उसको हम काटते हैं, तोड़ते हैं, पीटते हैं जी, तो वह गणेश की सामूहिक शक्ति वही कहलाती है। और उसको जब हम तोड़ देते हैं, पीट देते हैं, तो वही उसका जो है सिर हमने काट दी जी, हाँ जी। उस अर्थ में समझाने के अर्थ में कह रहा हूँ मैं जी, जी। तो सामूहिक शक्ति का जब विनाश हो जाता है जी, तो वह वहां पर जो है गणेश का सिर कट गया जी। जो भी सामूहिक शक्ति थी जी, तो उसका जब हम विनाश कर दिए, तोड़ दिए जी, यानी कोई शक्ति जब उसको तोड़ देती है, काट देती है जी, जी। भाई तो महेश का तो काम ही है काट देना जी, जी। विध्वंस कर देना जी, समझ गए जी, जी, जी। तो वो विध्वंस कर दिया तो कट गया, कट गया जी। तो वह उसका सिर जो है वो कट गया जी, सामूहिक शक्ति जो है वो है उसका सिर कट गया, विध्वंस हो गया जी, हाँ। और फिर महेश के कोप से गणेश का सिर कट गया, कट गया जी। तो वो हुआ सिर का सिर काटना जी। अब बात आती है सिर को जोड़ने की जी, हाँ जी। कि फिर तो हम सामूहिक शक्ति का जब भी हम कोई सामूहिक चीज का किसी का जब हम विनाश करते हैं जी, कोई भी जब देखते हैं हम लोग कि अस्तित्व में से विनाश होता है सामूहिक चीज का जी, हाँ, तो सर्वथा उसका उच्छेद नहीं होता है। कहा जाता है कि हम बीज को सर्वथा खत्म नहीं कर सकते जी, उसका अंश कुछ ना कुछ किसी ना किसी अर्थ में विद्यमान रहता है। किसी भी चीज को हम बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते जी, उसका अंश कुछ ना कुछ रहता है, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ उसका अंश रहता है जी। अब जब उसका अंश जो भी है, उस अंश से हम पुनः जो है उसकी सामूहिकता को पुनः स्थापित करते हैं, तो उसके लिए हम फिर कुछ जोड़ तोड़ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, ये प्रकृति कुछ करती है जिसके कारण वह पुनः जो है वह आ जाता है। लेकिन जब भी आएगा वो बदले हुए रूप में आता है, बदले हुए रूप, बदले हुए रूप में आता है, हाँ। तो जब बदले हुए रूप में आता है तो उसकी सामूहिकता वैसी नहीं रहती है, कुछ अलग हो जाती है। तो वहां पर जो आ गया कि बस हाथी का आ गया जी, हाथी की बात होती है ना कि हाथी का सिर आ गया जी, जी। तो हाथी का सिर लगा दिया गया गणेश जी को जी, जी। यानी सामूहिक शक्ति बदले हुए रूप में आ जाती है, कहने का मतलब यह शक्ति वही है, हाँ, लेकिन वह शक्ति दूसरे रूप में आ गई, वो बदले अंतर इतना ही, हाँ, वो बदल करके वो रूप में आ जाती है। अब हाथी की प्रॉपर्टी हो गई, वो कुछ अलग प्रॉपर्टी हो गई, हाथी का गुण कुछ अलग हो जाता है ना जी, जी, जी। बदले हुए रूप में दिखलाने के लिए जी, तो हाथी का गुण कुछ अलग होता है जी, जैसे कि हाथी को देखने की ताकत अलग होगी, सुनने की ताकत अलग होगी जी, जी। हाँ, सोचने की ताकत अलग होगी जी, सब कुछ उसकी ताकत भिन्न हो जाएगी जी, हाँ। तो जब भी कोई इस तरह का समूह का जब विनाश होता है, तो वह समूह पुनः फिर प्रकट होता है, लेकिन अलग बदले हुए अर्थ में प्रकट होता है। यानी हम लोग भी अगर टूटेंगे फूटेंगे, यानी मानव प्रजाति, व्यक्ति की बात नहीं, मानव प्रजाति, मानव प्रजाति अगर टूटती है तो मानव प्रजाति का सर्वथा अंत नहीं हो जाएगा जी, उसका कुछ ना कुछ विद्वान रहेगा। और उस जो उसका गर्दन कट गया, विध्वंस हो गया, उसके बाद पुनः जो ये उभरेगा अलग ढंग का जी, तो वो एक अलग ढंग का होगा स्वरूप। अब ये नहीं है कि जिस रूप में जैसे हम हैं उसी रूप में रहेंगे मानव प्रजाति में, वैसे हमारा रूप दूसरे रूप में बदल के आएगा, दूसरे रूप में। तो वहां पार्वती रोने लगती है जी, पार्वती का मतलब क्या होता है, शक्ति जी, हाँ, वहां कथा है ना, पार्वती रोने लगती है जी, हाँ। तो शक्तियों में भी जो शक्ति है, कुछ शक्तियां रोने लगती हैं, हाँ, तो एक काम होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो अब वो बदला हुआ रूप में फिर वो आ जाता है जी, यानी सर्वथा उसका विनाश नहीं होता है जी, मतलब यही है जी, जी। कोई भी चीज जो है जो सामूहिक
वो है जिसका विनाश नहीं होता है, वो पुनः किसी न किसी रूप में वो आ जाता है, बदल करके आ जाता है, और उसमें यही सब उनका सारे देवता आशीर्वाद देते हैं जी। हाँ, तो यही सब जो बाकी जो शक्तियां हैं जी, अग्नि शक्ति है, वायु शक्ति है, इस तरह से जी, जी। ये जो भौतिक तत्व है ना, इनको इनका भी सूक्ष्मता रूप में शक्ति इसको माना गया है जी, जी। तो वो ये सब आकर के उसको आशीर्वाद देते हैं, तो वो शक्तिशाली होकर के पुनः जो है वो गण स्थापित हो जाता है जी, वह समूह स्थापित होता है। तो गणेश वह जी, गणेश कोई आदमी नहीं है, कोई फोटो नहीं है कि उसे बनाया गया, वह तो एक फिलोसफी के हिसाब से इसको समझाने के लिए सामान्य आदमी को बना दिया गया उस तरह से जी, जी। ऐसा कोई नहीं है फोटो की शिव जी इस तरह से है कि हाथी का मुड़ी कटा गई तो उन्हीं को जोड़ा भी ले है, वो है, वह सामान्य आदमी नहीं समझ पाएगा ना दिन भर एक बातों को जी, जी। तो मोटे तौर पर इन कथाओं से समझता है हल्का फुल्का इसका, लेकिन जब आदमी का दिमाग विकसित हुआ, जब आदमी वैज्ञानिक शिक्षा ग्रहण करने लगा, पढ़ने लगा, तर्क करने लगा जी, तो उसको लगा अरे ये सब तो झूठी कथाएं हैं जी, जी झूठी झूठी कथाएं नहीं है, उस कथाओं के पीछे जो फिलोसफी है जी, जिसके आधार पर उसका उन कथाओं को गढ़ा गया जी। आप समझिए कि यह गढ़ा क्यों गया, उसकी जरूरत क्या थी गढ़ने की जी, सही। हाँ, गढ़ने की जरूरत, उसका उद्देश्य वहाँ झूठी कथा नहीं था, वहाँ का उद्देश्य था उसको समझाना जी, सामान्य आदमी को समझाना जिससे वो समझ सकता है। जब हम उसको बहुत बारे फिलोसफी बात करें तो मुंह ताकरा ऐसे क्या बोल रहा है क्या नहीं समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आ रहा जी, उसको फिलोसफी समझ में, उसको ऊर्जा साइंस विज्ञान उसको क्या समझ में आ रहा है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो उसको हम मोटे तौर पर समझाते हैं, देखो ऐसा है ऐसा है, उसको काट दिया, क्योंकि वो रिश्तेदारी नातेदारी समझता है जी। एक समान आदमी जो है जी, जी, जी। वो रिश्तेदारी नातेदारी समझता है, वो अपने जैसे लोगों को ही समझता है। और ये व्यवस्था जो है मानव समाज की व्यवस्था अलग है, वो व्यवस्था अलग है, इसी व्यवस्था के तहत उस व्यवस्था को जोड़ना चाहता है, लेकिन वो जो है परे है, उसका सिस्टम अलग, हमारा सिस्टम अलग, एक ही सिस्टम से हम सबको चलाना चाहते हैं। समझ गया, सामान्य आदमी नहीं समझ पाता ना, इसलिए पुराणों की रचना इसीलिए होगी जी। तो उसमें जाए गणेश है, पार्वती है, सरस्वती, जो भी नामकरण किया गया है जी, जी। उसके पीछे कुछ गुण रखे गए हैं, कुछ भाव रखे गए हैं, कुछ विचार रखे गए हैं जी। तो उसके हिसाब से जब उसको समझाया जाएगा तब लोगों को पहले पड़ेगा नहीं, इसका ये मतलब पकड़ में बात आ रही है। कोई भी शक्ति टूटती है तो जितने भी देवी देवता, पहली बात समझ लें, हाँ। जितने भी देवी देवता का नाम आप सुनते हैं जी, ये कोई भी आदमी रूप में नहीं है जी, पहले समझ लीजिए, रूप में नहीं, वो उसका आदमी रूप में, वो तो उसका एक गुण एक लक्षण के आधार पर समझाने के लिए बना दिया गया जी, जी कि आदमी कुछ कहा है इस बात को, हाँ, उसके भीतर जो फिलोसफी है उसको समझना। जैसे कि मान लीजिए कि शंकर जी का रूप बना दिया, उदाहरण शंकर जी का रूप बना दिया जी, तो उसमें त्रिशूल पकड़ा दिया गया जी, हाँ जी, और यहाँ चंद्रमा लगा दिया गया जी, सांप गले में लपटाया हुआ है जी, है ना जी, बैठे हुए हैं जी, तपस्या कर रहे हैं हिमालय पर, ऐसे बैठे दिखाता है ना जी, 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 चमड़े में बैठे हुए हैं जी, यहाँ पर जो है जटा में गंगा जी है जी, बह रही है जी, हाँ जी, और उधर जो है भूत प्रेत भी नाच रहे हैं जी, 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 यही सब दिखलाता है जी, जी। तो अब इस तरह के आदमी को अगर कोई खोजने निकल जाएगा तो नहीं मिलेगा कहीं, ऐसा आदमी थोड़ी इस तरह होता है, ना उसमें ऐसा गुण होगा, वो दिखलाना क्या चाह रहा है जी, वो दिखलाना बताना क्या चाह रहा है जी, कंठ भी आने का है जी, और वो बताना ये चाह रहा है जी, यहाँ पर एक भी एक आंख लग रही है यहाँ पर जी, जी, है ना जी, और ये जो आंख लगी है ये तीसरी आंख है जी, ये तीसरी आंख का मतलब क्या हुआ, ये ज्ञान की आंख है जी, तीसरी आंख ज्ञान की आंख को कहते हैं जी, जी, हाँ। अब ज्ञान की अगर कलाकार को हम कह दें भाई ज्ञान की आंख जरा बताओ तो कलाकार क्या करेगा, उसको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा चित्र ना जी, बनाना पड़ेगा। आप ही को अगर कहा जाएगा नहीं, आप मान लो आप चित्रकार हो, आप लेखक नहीं हो, आप वक्ता नहीं हो जी, अभी तो मैं भाषा से बोल रहा हूँ जी, लेकिन अगर मुझे कहा जाएगा कि नहीं मैं भाषा नहीं समझता जी, हाँ मैं वाणी नहीं समझता जी, मैं तो चित्र से समझूंगा, तो मैं कैसे बताऊंगा, बनाना तो मेरे तो कुछ बनाना पड़ेगा ना जी, जी, तो मैं उसी तरह समझाऊंगा कि वो एक आंख बना दूंगा जी, हाँ जो तीसरी आंख, तो वो जो तीसरी आंख क्या ज्ञान की आंख जी, यहाँ से जो है गंगा निकल रही जी, हाँ गंगा क्या है, वो ज्ञान गंगा है, ज्ञान, हाँ गंगा की धारा है, वो ज्ञान की धारा जी, ज्ञान की धारा बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है बाहर, सबके कल्याण के लिए बह रही है जी, जी, जो उसमें नहाएगा डुबकी लगाएगा जी, वो पवित्र हो जाएगा जी, यानी ज्ञान में नहाएगा जी, गंगा के पानी में नहीं जी, जी, बात समझ में आ रही है जी, 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 जी,
उसका नाम ये यहाँ गंगा के नाम से कोई नदी का नाम रख दिया गया है। जी जी जी, तो वो बात अलग है, लेकिन वो है ज्ञान रूपी गंगा। जी, वो ज्ञान चक्षु यहाँ है। जी, ज्ञान चक्षु से देखते हैं। जी, यहाँ यहाँ गले में सांप लपटा हुआ है। सांप मृत्यु का कारक है। जी, मृत्यु की पहचान है, उसका अलंकार है वो। जी, अगर हमें मृत्यु को दिखलाना है जी, जी, तो हम कैसे दिखाएंगे? सांप के द्वारा दिखाएं। तो सांप के द्वारा दिखाते हैं, सांप डस लेता है, ताकि मर जाता है। तो उसको सांप बना दिखा देंगे, इसका मतलब है कि वो मृत्यु को बतलाना चाह रहा है। जी, वो बतलाना चाह रहा है कि मृत्यु हर समय तुमको लपेटे हुए है। जी, कभी भी तुमको डस लेगी। जी, इसके पहले कि वो डस ले, तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। जी, समझ रहे हैं? जी जी जी, उसका मतलब यह है कि इसके पहले वो डस ले, तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओ। यहाँ नीला कंठ है। हाँ जी, शंकर जी की कथा है ना, उन्होंने विष पी लिया। जी हाँ, विष पी लिया। विष पी लिया जी, तो विष क्या, हम लोग की जिंदगी में जितने ये संसार में जो है ना, हम लोग को सिर्फ जहर मिलता है, विष मिलता है। जी, ये दुख जो है, दर्द है, ये विष है। जी जी, ये हम लोग को मिलता है। जी, उसको हम लोग को पीना ही पड़ता है। जी, समझ रहे हैं? जी जी, और पीना पड़ता है, तो उसको हम कितना पीते हैं, इतना ही पीते हैं जितना से हम जिंदा रहे। जी, तो वो यहाँ गले में अटक जाता है। जी, हम लोग का दुख दर्द जो है गले में अटक जाता है। जी जी, अब चित्रकार को दिखलाना है, भाई कैसे दिखाएगा वो? जी जी, तो यहाँ यहाँ नीला कर देता है। जी, कि हमारा दुख दर्द सब जो है वो अटका हुआ है, हम फिर भी जिंदा है। इतने गमों को पिए हुए हैं। जी जी, जो शायर सब होते हैं बोलते हैं, जी इतने दुख गम को मैं पिए जा रहा हूँ। गम को पिए मुझे, तो वो गम को रखा हुआ है यहाँ पर अटका हुआ। जी हाँ, अब इसके बाद जो है वो ज्ञान के से वो हो रहा है। अब उसका जो है, अब शंकर जी का जो है डमरू है। जी डमरू, जी देख रहे हो डमरू, वो डमरू क्या है? वो शब्द के लिए। जी, शब्द के बतलाने के लिए। जी हाँ, वह उस डमरू से ही जी व्याकरण निकला है। जी, अष्टाध्यायी पाणिनी का जो व्याकरण निकला है वो डमरू से ही निकला है। जी हाँ, यानी मंत्र जो है उससे निकले। जी, वेद मंत्र उससे निकले। जी, डमरू से। जी, तो वो डमरू है। जी, यानी जब आप व्याकरण समझेंगे, भाषा समझेंगे, शब्द समझेंगे, जब मंत्र समझेंगे जी हाँ जी, तो वह जो है आपके साधना पद्धति में आगे होगा, वही आपको काम आएगा। जी, तो वो डमरू भी आपका जो है वो संगीत के लिए भी है। जी जी जी, संगीत दिखाने के लिए। शंकर जी का त्रिशूल है। जी, त्रिशूल का तीन शूल है। शूल का मतलब होता है दर्द। जी, वेदना। वेदना शूल का अर्थ होता है संस्कृत में वेदना। जी, तो मनुष्य को तीन प्रकार की वेदना है। जी हाँ, वह बतलाने के लिए त्रिशूल है। जी, तीन प्रकार की वेदना, कौन कौन सी वेदना है? भौतिक वेदना है। जी, दैहिक वेदना वेदना है, और आध्यात्मिक वेदना है। तीन प्रकार की वेदनाएं मनुष्य को होती है। जी हाँ, वो उसका वे जो वेदना है ना, वे यही उसके हथियार है। जी, क्योंकि दर्द ही हमारा गुरु होता है। जी, दर्द ही हमको प्रेरित करता है कुछ जानने के लिए। जी, दर्द नहीं हुआ तो नहीं जानता है, दर्द ही हमें प्रेरित करता है। जी, ये वेदनाएं जो है ना, वे हमारे हथियार होते हैं। जी, हम कभी भी कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, खाना खाते हैं, सब क्यों? दर्द के कारण। जी, क्योंकि अगर भूख लगेगी तो पेट दर्द करने लगेगा। जी हाँ, माथा दुखने लगेगा। जी, चलो खाओ खाओ, खाओगे तो वो दर्द मिल जाएगा। जी, उसी तरह से भावनाएं हैं। जी, हमारे लिए वो उन भावनाओं का दर्द उठता है। जी हाँ, तो वो दैविक दैविक हो गया। जी हाँ, भावनाओं का दर्द होता है, और उसी तरह से ज्ञान अज्ञानता के कारण जो दर्द उठता है। जी, तो वो आध्यात्मिक दर्द हो गया। जी समझे, वो आध्यात्मिक सूल हो गया, दर्द के कारण अभी घूमता चारों ओर। जी, जो कुछ भी कर रहा है दर्द के से बचने के लिए ही कर रहा है, हर मनुष्य, हर प्राणी। जी, तो वो त्रिशूल है। जी, समझ आ रही है? जी जी, और वहाँ पर वो दिखलाया गया है ना चंद्रमा। जी, चंद्रमा मन का कारक बन जाता है, चंद्रमा मन को दिखलाने के लिए। अच्छा, मन को दिखाने के लिए। जी, और वो वहाँ पर देखते हैं वो पूर्ण चंद्रमा नहीं है। जी, वो अर्ध चंद्रमा। अर्ध चंद्रमा हाँ, इसका मतलब मन अभी पूरा नहीं हुआ है। जी, इसीलिए आपको तपस्या करना है, अभी आपका मन अधूरा है। जी हाँ, जब मन पूरा हो जाएगा, पूर्ण चंद्र हो जाएंगे जी, तो निर्वाण को प्राप्त होंगे। जी, और वो साधना तप के स्थिति में बैठे, इसका मतलब तप करने से यही ये सब होगा। जी, ऐसे नहीं होगा। जी, ये फर्जीवाड़े ऊपर से ऐसे ऐसे अपने नहीं होगा। जी, किसी कृपा हो जाएगी। जी, करोगे तभी कुछ होगा। जी हाँ, तो आप करेंगे क्योंकि उसकी प्रक्रिया सेट है, उसका विज्ञान सेट है। जी, इससे ये होता है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। जी, तो आपको तप करना है, बोले है। जी हाँ, और तप कैसे करना है तो बताए हुए हैं, छाला है,
अस्थिर नहीं होने चाहिए, अस्थिर होकर बैठे हैं, अस्थिर चित्त से बैठे हुए हैं। हाँ, और धूप और पानी और ठंडा और इन सबका प्रसाद में असम स्थिति में बैठे हुए हैं। तो जो चित्रकार ने चित्र बनाया है ना, तो वो हर वो सिद्धांत को साधना को सबको जो है इंगित करते हुए बनाया है। ये देखिए आप, ये जो है सिद्धांत साधक रूपी चित्रकार ने ही ऐसा मॉडल दिया है, वही देता ही दे ही सकता है। उसी तरह से उसने गणेश का भी जो बनाया है, जिसका भी जो बनाया है वो साधक रूपी चित्रकार गणेश का मॉडल दिया। सभी जो जितने भी मॉडल है ना, वो किसी फिलोसफी को बदलाने के लिए है। जिस भी देवता का नाम, अग्नि देवता, इधर देवता, पल्ला देवता, जितने भी देवता सुनते हैं सब वही है। उसके पीछे के रहस्य को समझना पड़ेगा। ध्यान में एक रहस्यमय चीज है जी। वो ऐसा नहीं है जिसे दिखता है सामने से जी जी। उसके पीछे का रहस्य समझना पड़ेगा जी। पहली है जी, कबीरदास की उल्टी बान जी जी, बरसे कमर भीगे पानी जी। तो वो सब कुछ वहां पर उल्टा पुल्टा सिस्टम है, जो सामने दिख रहा है ठीक वैसा नहीं, उसके पीछे का रहस्य जो है कुछ और है। उसको आपको कोर्ट को तोड़ना पड़ेगा जी। इसीलिए वो साधारण किताब नहीं है, इसलिए उनको ग्रंथ कहा जाता है जी। वो धार्मिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ जो है साधारण नहीं होते हैं जी। जैसे लिख दिया गया उसका मीनिंग वैसा नहीं होता जी, उसका रहस्यमय मीनिंग होता है जी। उसको यदि कोई वैसे ही समझ ले जैसा लिखा हुआ है, तब तो भूल जाएगा, गलती हो जाएगी उससे, कुछ नहीं, तब वो कुछ नहीं पाएगा, रीता रह जाएगा, खाली रह जाएगा। गुरु जी बात तो समझ में आ गई, इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन और सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किसको मतलब कि उसमें से हम तमोगुण कहेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन में से हम किसको जो है तमोगुण कहेंगे, उसमें से कौन तमोगुण है। सत्वगुण तमोगुण रजोगुण आप किसको कहते हैं, आप भले बताइए किसको समझ रहे हैं, तब ना समझेंगे। इसे तमोगुण का मतलब इसे साधक है, उसका लेवल छोटा है, कुछ नहीं जानता है, तो उसको हम तमोगुण कहेंगे। हम जहां समझ पा रहे हैं, यानी उसकी कोई क्वालिटी नहीं अध्यात्म में तमोगुण की। और रजोगुण का मतलब कि जैसे उस स्टेप पर आदमी चला गया है, तो सुने हैं वो बात बता रहे हैं कि वो पुनः जो है उसी रूप में आ सकता है, जिस रूप में था वो आएगा तो उसी रूप में ही वह रहेगा। और सतोगुण का मतलब कि एक तरह से वह पूर्ण ज्ञानी हो गया। नहीं, ऐसा अर्थ नहीं, ऐसा नहीं बता दे इसको समझा। रजोगुण का अर्थ होता है कि जो क्रियात्मक जगत है, क्रिया कर रहा है जो, अच्छा, जहाँ पर क्रियाएं हो रही हैं वो रजोगुण। हाँ, जो शक्ति का जो स्वरूप है जी वो रजोगुण, क्रिया करना जी, शक्ति का स्वरूप। हाँ, वह जो जो क्रियात्मक है जी, रजोगुण का मतलब है क्रियात्मक अस्तित्व। क्रियात्मक अस्तित्व मतलब ब्रह्मा कह दें, क्रियात्मक अस्तित्व जितना भी है जी वो सब रजोगुण के तहत आ जाएगा। इसको ब्रह्मा रजोगुण को ब्रह्मा कह देंगे ना। हाँ, ब्रह्मा भी उसमें है, ब्रह्मा रजोगुण ही माने जाते हैं ना जी। और तमोगुण का अर्थ हो गया जी कि वह जो है वह स्थिति में है, तमोगुण स्थिति में। हाँ, वह स्थिति में है, यानी विष्णु। हाँ, और नहीं, विष्णु नहीं, वह स्थिति में है। अच्छा, और स्थिति में वह इस तरह से, विष्णु का अर्थ तो है कि जो पालन कर रहा है। अच्छा, क्रिया में तो वह भी है। अच्छा, लेकिन वह पालन कर रहा है जी। हाँ, और तमोगुण का जो हो गया कि वह ऐसी स्थिति में है जी। हाँ, जो कि मतलब जिसको आलस के कारण जैसे जो नहीं उठता, आक्रमण जो हो जाता है जी जी, आलसी प्रवृत्ति। हाँ, जो आलस है जिसमें आ गया जी, जो स्तब्ध हो गया, स्थिर हो गया जी। हाँ, और स्थिरता के साथ में विनाश के अर्थ में होगा। अच्छा, हाँ, तो महेश को तमोगुण कहा जाता है। अच्छा, महेश को। हाँ, तमोगुण समझ। हाँ, महेश रजोगुण तमोगुण ब्रह्मा को कहा जाता है जी, और महेश को तमोगुण ही कहा जाता है जी।
कि वह जो है वह इस तरह की स्थिति आ गई है कि वह विनाश की ओर जा रहा है और आलस हो गया। आलस का मतलब हो गया कि वो मृत्यु की ओर जा रहा है। जी 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 हाँ, विध्वंस की ओर जा रहा है। जी आलस जी, का मतलब जिसमें आलस का गुण आ गया जी जी उसको रोग पकड़ लेगा, मृत्यु पकड़ लेगी। जी जी वो विनाश की ओर जा रहा है। जी तमोगुण हो गया जी, गांजा भांग दारू ये सब पीने खाने लगा। हाँ जी, उसका गुण यही सब होता है, तमोगुण हो गया। जी तो वह जो है महेश का जी, विष्णु जो है वो सतोगुण हो गया जी। पूर्व में है सतोगुण है, वह सतोगुण है। सतोगुण का मतलब हो गया जी कि वह इन गुणों के विषय में विश्लेषण कर रहा है जी। वह वो ज्ञान के स्तर पर जा रहा है जी, वो ज्ञान के, वो क्रिया के स्तर पर नहीं, वो ज्ञान के स्तर पर है। यानी क्रिया की जो प्रेरणा है उस स्तर पर वो चला गया जी। और उस स्तर पर जा करके ही और जो भी शोध करना है वो मतलब माइंड के स्तर पर वो चला गया जी। वो विष्णु का स्तर, विष्णु को सत्वगुण माना जाता है जी, और ब्रह्म का रजोगुण और महेश को तमोगुण माना जाता है। पहला रजोगुण, दूसरा सत्वगुण, तीसरा तमोगुण। हाँ, तो अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना कर दीजिए। हाँ, तो ऐसा है ना, रजोगुण कौन कहलाए? ऐसा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है पूरा अस्तित्व को नहीं बतलाता है। अच्छा। हाँ, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूरा अस्तित्व को नहीं बताता है। और ये बतला देते हैं? हाँ, ये तो बता रहे हैं, ये भी पूरा अस्तित्व को नहीं बता रहे हैं, लेकिन लगभग लगभग बता रहे हैं, लगभग कुछ बता रहे हैं, पूरे को नहीं बता रहे हैं, लगभग बता रहे हैं। हाँ, तो वह जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत छोटा सा वो होगा, उसके बाहर भी बहुत कुछ है जी, अलग अलग भी दुनिया बहुत सारा है, जो कि इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन नहीं है, न्यूट्रॉन नहीं है, बहुत सारी चीज जी जी। हाँ, वो सब के साथ उसमें नहीं आएंगे। जैसे बहुत सारे जो है, जैसे डार्क एनर्जी है जी। हाँ, कूल, हम विज्ञान के हिसाब से भी अगर बात कर रहे हैं जी जी, तो वैज्ञानिक जितना कुछ बतला रहे अभी जी, उसके हिसाब से अस्तित्व का सिर्फ 5% जो है वह जो मैटर है, सिर्फ 5%। अच्छा। हाँ, 95% तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर है, 5% जो है वही जो है सिर्फ यह है। और उस 5% का जो है ये छोटे छोटे प्रतिशत है। अच्छा। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 5% का ये छोटे छोटे हो गए, छोटे छोटे कण है। हाँ, 5% के छोटे छोटे कण है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। हाँ, तो इसलिए ये उसमें सत्व रजो तमोगुण को ये नहीं वो कर सकते। अच्छा, इसको हम तुलना करके समझें, उससे इससे नहीं समझ, उससे उसकी तुलना नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वे पूरे उसी को नहीं बतला रहे जी, इससे वो कम पड़ेंगे। हाँ, वे कम पड़ेंगे, ये भारी पड़ेंगे। 17 स्तंभ जो है बड़ा हो गया, बड़ा बड़ा अस्तित्व हो गया जी। और वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वो बड़ा नहीं हुआ ना जी, इसलिए उसको तुलना उससे नहीं हो सकती है जी। तो भौतिक रूप में हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को कैसे समझेंगे? मोटे तौर पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जैसे रजोगुण तमोगुण सतोगुण को समझे, रजोगुण तमोगुण सतोगुण से उसकी तुलना नहीं हो सकती है ना, तो उसको उसके उस संदर्भ में उसको कैसे समझा सकते हैं? अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को संदर्भ में समझा सकते। देखिए जी, मोटे तौर पर यह है जी, इलेक्ट्रॉन ज्यादा गति करता है जी। अगर गति की बात करते हैं जी, तो जैसे रजोगुण जो है गति करने वाला होता है, समझिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है गति ज्यादा करता है। लगभग मान के चले कि इलेक्ट्रॉन रजोगुण के अपने समझने के लिए लिहाज से आप उसको मान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन है नहीं, है नहीं, समझ गए, समझने के लिए तो वो गति करता है जी। गति तो प्रोटॉन भी करता है जी, न्यूट्रॉन भी करता है, प्रोटॉन भी करता है जी, न्यूट्रॉन भी करता है, लेकिन ये जब दोनों एक, चूंकि जब एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं ना जी, तो इनकी गति वैसी नहीं होती है जी, उसके अपेक्षा बहुत ही कम गति होती है जी। ये दोनों प्रोटॉन का जो चार्ज है ना वो प्लस में होता है जी, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है जी। तो न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, तो उसको एक स्थित आलसी कह सकते हैं, आलसी कह सकते हैं ना, उस अर्थ में कह सकते हैं भाई ये आलसी है, आलसी है, तो तमोगुणी कह सकते हैं, तमोगुण। हाँ, तो कह सकते हैं कि न्यूट्रॉन जो है वो तमोगुणी जी। हाँ, और प्रोटॉन को हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को सतोगुण समझने के लिए कह सकते हैं,
लेकिन सतोगुण को सतोगुण से ही समझा जाए, उसमें उसको नहीं लागू किया जाए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को, जी जी ज्यादा ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ गया। वो छोटे बच्चे को समझाने के लिए, वो तो पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन भी होते हैं जी, क्वार्क्स होते हैं, बहुत सारे चीजें होते हैं, कैसे कैसे उसको फिर कौन चीजें समझाएंगे, जी जी प्रश्न ये उठेगा ना जी, हाँ दिक्कत हो जाएगा किसी को बताने में समझाने में, बहुत सारे पार्टिकल हैं जी।